और वॉर मॉनिटरिंग के जरिए पुतिन का ज़ेलेंस्की के खिलाफ रिवेंज रिंग क्या है? यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर क्रेमलिन का बड़ा ऐलान क्या है? खार्किव में फिर रूस कर रहा है कब्जे की तैयारी और कहां यूक्रेनी सेना पड़ी रूस पर भारी? युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ऑल वॉर फ्रंट। यूक्रेन के बखमत इलाके में रूसी सेना ने जोरदार हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिलरी स्ट्राइक के जरिए यूक्रेनी सेना के बेस को निशाना बनाया गया है। वहीं खार्किव में भी लगातार हो रहे हमले के बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को रोक दिया गया है। टेरेखोव के मेयर ने कहा कि हार से बौखलाई रूसी सेना बदले की भावना से अंधाधुंध मिसाइल अटैक कर रही है। यूक्रेन के जंगे मैदान में आमने सामने की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने वीडियो जारी किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी फौज ने पेट्रोलिंग के दौरान रशियन व्हीकल देखा, जिसके बाद रशियन फौज पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश हुई। यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक में दो रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन पर रूस का मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा, ये दावा क्रेमलिन ने किया है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस को यूक्रेन से निगोशिएशन की कोई संभावना नजर नहीं आती। पेस्कोव ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं चल रही है। ऐसे में युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं है। खार्किव में पीछे हटने के बाद भी रूसी सेना के हमलों में कमी नहीं आई है। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में रूसी सैनिकों के पीछे हटने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी मिलिट्री कमांड के मुताबिक पिछले दो हफ्ते में सेना ने करीब 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के साउदर्न मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि उनके जवानों ने खेरसोन में भी 5 इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिया है। रूस पर यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी है। यूक्रेनी मीडिया ने नया वीडियो जारी कर रूस के सुखोई 25 विमान मार गिराने का दावा किया है। वीडियो क्रीमिया का बताया जा रहा है, जिसमें दो रूसी विमानों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वीडियो में रूसी सुखोई 25 विमान क्रैश होता नजर आ रहा है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे दो रूसी विमान में से एक जमीन से टकराता दिखा, जिसके बाद विमान में जोरदार धमाका होता है। यूक्रेन के वॉर जोन से युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। खार्किव के जंगलों में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा। एक और वीडियो में यूक्रेनी सैनिक भारी सैन्य वाहन के साथ रूस बॉर्डर से सटे इलाकों की ओर कूच करते नजर आए। रशियन बॉर्डर के नजदीक भी कई इलाकों में यूक्रेनी फौज ने अपना डेरा जमा लिया है। यूक्रेन आर्मी ब्लॉग ने यूक्रेनियन सेना के आर्टिलरी यूनिट का वीडियो जारी किया है। घातक वीडियो में यूक्रेनी सैनिक पियोन आर्टिलरी का इस्तेमाल करते नजर आए। इसे मालका भी कहा जाता है। सोवियत यूनियन के जमाने की आर्टिलरी को दुनिया के 8 देशों की सेना इस्तेमाल करती है। यूक्रेन और रूसी सेना युद्ध में इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 650 किलोमीटर तक है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूसी सेना के लगातार पीछे हटने से पुतिन नाराज हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन अब खुद वॉर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालात पर पुतिन की नजर है। वो कमांडरों से लगातार संपर्क में हैं और अब युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन रक्षा मंत्री से भी लगातार युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे हैं। खबरें हैं कि पुतिन ने खार्किव में रूसी सैनिकों के सरेंडर के बाद एक टॉप जनरल को भी बर्खास्त कर दिया है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।